हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 11th लेक्चर। ये हमारा 11th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैश मैनेजमेंट। और कैश मैनेजमेंट पे ये मेरा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। लेक्चर 10 में, तो लेक्चर 10 में हमने कैश मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। तो हमने पढ़ा था कैश मैनेजमेंट क्या होता है, कैश मैनेजमेंट साइकिल क्या है, 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैश मैनेजमेंट एंड मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। कैश क्यों होल्ड किया जाता है, उसका मोटिव क्या है। तो 3 इंपॉर्टेंट मोटिव है, ठीक है, वो सब हमने बहुत डिटेल में लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कैश प्लानिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैश बजटिंग, कैश फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दैट इज ऑप्टिमम कैश बैलेंस। कैसे ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके 2 केसेस होते हैं, ठीक है। पहला केस क्या होता है, अंडर सर्टेनिटी, एंड दूसरा केस क्या होता है, अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पता करेंगे ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर सर्टेनिटी। इस केस में बॉमल मॉडल यूज किया जाता है। और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अंडर अनसर्टेनिटी, अगर कैश फ्लो अनसर्टेन है तो उस केस में हम मिलर और मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम मिलर और मॉडल पढ़ेंगे, आज हम बॉमल मॉडल पढ़ेंगे। और उसी पे बेस मैं एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, ठीक है। और हम इसे पूरा ग्राफ से भी समझेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैश प्लानिंग, तो हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो आपने मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्लास 11th में बीएसटी के पेपर में मैनेजमेंट पढ़ा था ना, तो वहां पे आपने देखा था कि मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है, बताइए। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग ही तो है मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन। तो कैश मैनेजमेंट करना है तो हमें सबसे पहले कैश प्लानिंग करना होगा। तो कैश प्लानिंग क्या है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। अगर कैश मैनेजमेंट करना है तो कैश मैनेजमेंट मतलब कैश के रिगार्डिंग प्लानिंग करना। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम कैश के रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यूज ऑफ कैश, यानी कहाँ पे कैश यूज करना है, ठीक है, ये सब देख सकते हैं, इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है कैश प्लानिंग में। एंड कैश प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। कैश मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जिसमें कैश प्लानिंग पहला एस्पेक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, तो कैश मैनेजमेंट मतलब कैश प्लानिंग, ठीक। अब कैश प्लानिंग का फायदा क्या है, तो कैश प्लानिंग प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ फर्म। ये जो कैश प्लानिंग है, इससे फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पहले से पता चलता है। अगर आप प्लानिंग कर लेंगे किसी चीज के बारे में, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, अगर आप फ्यूचर के लिए पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो क्या होगा, फर्म की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में आप पहले से, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और कैश प्लानिंग कैसे करते हैं, इसमें हम प्रोजेक्टेड कैश स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। एक प्रोजेक्टेड कैश स्टेटमेंट बनाते हैं। कहां से स्टेटमेंट बनाया जाता है, फ्रॉम फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग मतलब तो समझते हैं ना, फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी, पहले से अनुमान लगाना, ठीक है। फोरकास्टिंग की जाती है ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो भी फर्म में कैश इनफ्लोज आने वाले हैं, ठीक है। फर्म अगर प्रोडक्ट की सेलिंग करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो कैश आएगा, ठीक है। आउटफ्लो मतलब सैलरी का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट, इन्वेंट्री परचेज करनी होगी, ठीक है, टैक्स, डिविडेंड, ये सब पेमेंट करने होंगे, तो यहाँ से आउटफ्लो का। तो जो भी कैश इनफ्लो होना है, जो भी कैश आउटफ्लो होना है, एक्सपेक्टेड जो भी कैश इनफ्लो होना है, जो भी कैश आउटफ्लो होना है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड की बात होती है, 1 साल, 6 महीने या किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात होती है। तो किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो भी एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है, जो भी एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो है, उनकी फोरकास्टिंग की जाती है, अनुमान लगाया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है, और उससे बनाया जाता है प्रोजेक्टेड कैश स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये काम किया जाता है कैश प्लानिंग में, ठीक है। और ये जो कैश प्लानिंग करने का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस क्या है, कैश बजट। ये वैसे आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने कहा प्रोजेक्टेड कैश स्टेटमेंट। तो प्रोजेक्टेड कैश स्टेटमेंट कहाँ बनाया जाता है? कैश बजट में ही तो बनाया जाता है। तो कैश बजट क्या है? कैश बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो यूज होती है फॉर कैश प्लानिंग, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। कितना कैश रिसिप्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कितना कैश पेमेंट हो रहा है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इनके बारे में पहले से प्लानिंग करने के लिए क्या बनाया जाता है? कैश बजट। वैसे मैं कैश बजट आपको एक बार पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं और काफी पहले से अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा मैं कैश बजट पहले कहाँ पढ़ाई हूँ। कैश बजट मैंने पढ़ाया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, ये पूरा टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पे मैंने आपको बहुत सारे टाइप के बजट पढ़ाए थे, परचेज बजट, सेल्स बजट, कैश बजट, फिर लास्ट में बनता है मास्टर बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, और भी काफी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको कैश बजट भी बताया था। कैश बजट की कई टेक्निक होती है बनाने की, मेथड्स होते हैं, तो वो सब भी हमने डिटेल में वहां पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो कैश बजट वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से कैश प्लानिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो फोरकास्टिंग की जाती है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट ऑपरेशन या फिर जो भी एंटीसिपेटेड फ्यूचर ऑपरेशन है। ये जो फोरकास्टिंग है ना, फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, ये फर्म में कितना कैश आएगा, कितना जाएगा। तो ये फोरकास्टिंग किसके बेसिस पे की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑपरेशन। फर्म का अभी प्रेजेंट ऑपरेशन क्या चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट ऑपरेशन क्या है और आगे चल के फ्यूचर में उसको कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, क्या क्या नया काम मिलेगा या क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। तो फ्यूचर के जो भी एंटीसिपेटेड फ्यूचर ऑपरेशन है और प्रेजेंट ऑपरेशन के बेसिस पे की जाती है फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये जो कैश प्लानिंग है ना पूरी, दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द फर्म, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये जो कैश प्लानिंग है ना, कैश प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द फर्म। फर्म की ओवरऑल प्लानिंग के लिए ये कैश प्लानिंग जो एस्पेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कैश प्लानिंग है ये डेली भी की जा सकती है, ठीक है, ये वीकली भी की जा सकती है, ये मंथली भी की जा सकती है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही है उसकी पॉलिसी क्या है, ठीक है, उसकी फिलॉसफी क्या है, एंड साइज ऑफ द फर्म क्या है, वो फर्म कितनी बड़ी है, उसका ऑपरेशन, उसका टर्नओवर, वो फर्म कितनी बड़ी है, प्लस उसकी फिलॉसफी क्या है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि यहाँ पे जो कैश प्लानिंग होती है वो डेली बेसिस पे होती है, वीकली बेसिस पे होती है कि मंथली बेसिस पे होती है या ईयरली बेसिस पे होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। तो दिस इज कैश प्लानिंग। एंड कैश प्लानिंग की कैसे जाती है? कैश बजट बना के, ठीक। तो कैश बजट क्या है एक बार बताया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ। कैश बजट एक समरी स्टेटमेंट है। कैश बजट क्या है? एक समरी स्टेटमेंट है ऑफ द फर्म एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। फर्म का जो भी एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है, जहां जहां से पैसा आ सकता है, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो यानी जहां जहां पैसा जा सकता है ओवर अ प्रोजेक्टेड टाइम पीरियड। प्रोजेक्टेड टाइम पीरियड मतलब जितने ड्यूरेशन के लिए हम कैश बजट बना रहे हैं। अगर हम अगले 1 साल के लिए कैश बजट बना रहे हैं, सपोज करिए अगले 1 साल के लिए हम अगर कैश बजट बना रहे हैं, तो मोटा मोटा कहाँ कहाँ से पैसा इनफ्लो हो सकता है और कहाँ कहाँ से एक्सपेक्टेड आउटफ्लो हो सकता है, इनका समरी स्टेटमेंट होता है कैश बजट, ठीक है। और कैश बजट के लिए व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, वी रिक्वायर टू डू कैश फोरकास्टिंग। इसके लिए हमें फोरकास्टिंग करनी होती है, अनुमान लगाना पड़ता है, एस्टिमेशन करना होता है, ठीक है। और फोरकास्टिंग कैसे की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑपरेशन एंड फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ द फर्म। फर्म के अभी प्रेजेंट में क्या क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, फर्म के पास अभी प्रेजेंट में क्या क्या असाइनमेंट्स हैं, किन प्रोजेक्ट पे फर्म काम कर रहा है, उसके बेसिस पे, और फ्यूचर में कौन से नए प्रोजेक्ट फर्म को मिल सकते हैं, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें कंसीडर करके कैश फोरकास्टिंग की जाती है। और कैश फोरकास्टिंग से बनता है कैश बजट, ठीक है। फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हमने समझ लिया कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज कैश मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। तो कैश मैनेजमेंट में सबसे पहला काम किया जाता है कैश प्लानिंग। कैश प्लानिंग कैसे करेंगे? कैश प्लानिंग के लिए वी रिक्वायर टू मेक कैश बजट। और कैश बजट बनेगा कैसे? बाय कैश फोरकास्टिंग, ठीक है। कैश बजट के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू डू कैश फोरकास्टिंग। इसके लिए कैश फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो फोरकास्टिंग होती है ना, ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग दोनों हो सकती है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कैश की फोरकास्टिंग की जाती है दैट इज शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट मेथड, दूसरा होता है नेट एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, ठीक है। तो ये 2 मेथड यूज होते हैं फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग मेथड, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। और ये जो मेथड है इनकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में पिंग करिएगा, तो इन मेथड की मैं डिटेलिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। वरना अभी फिलहाल ये केवल नाम जान लीजिए। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए ये दो मेथड यूज होते हैं, पहला रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट मेथड, ठीक है, ये पहला रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट मेथड, दूसरा एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम कैश बैलेंस, सबसे मेन प्रॉब्लम जो कैश मैनेजमेंट में आती है वो यही आती है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ऑप्टिमम मतलब एक सही, एक बेस्ट कैश बैलेंस क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत कम कैश बैलेंस भी नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत ज्यादा कैश भी नहीं ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करना चाहिए। देयर शुड बी एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो वही अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे निकाला जाता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजर की, कि मेंटेन कर सके साउंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, फर्म की एक सही लिक्विडिटी पोजीशन, एक साउंड लिक्विडिटी पोजीशन होनी चाहिए। मतलब फर्म के पास हर समय इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि जो भी फर्म्स के ड्यू हैं वो फर्म टाइमली सेटल कर सके, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे कर सके, ठीक है, इतनी लिक्विडिटी फर्म के पास हर समय होनी चाहिए। तो इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फर्म के फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और ये जो अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस, कितना अमाउंट फर्म होल्ड करेगा, कैश बैलेंस कितना हर समय होगा, ये डिपेंड करता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पे। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लिक्विडिटी वर्सेस सॉल्वेंसी, तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, सपोज करिए 100 रुपए टोटल है फर्म के पास और अगर फर्म ने बहुत कम कैश बैलेंस मेंटेन किया है, यानी 100 रुपए में अगर सपोज करिए केवल 20 रुपए कैश मेंटेन किया है और 80 रुपए जो है वो फर्म ने इन्वेस्ट कर दिया है, सपोज करिए इसकी मशीनरी खरीद ली है या कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अगर बहुत कम कैश बैलेंस होल्ड किया है तो उस केस में क्या होगा, फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। बट इस केस में फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी विल बी हाई, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि फर्म ने लिक्विड फॉर्म में केवल 20 रुपए रखा है और बचे हुए 80 रुपए फर्म ने नई मशीनरीज खरीद ली हैं। अब मशीनरीज करेंगी प्रोडक्शन और फिर वो होगी सेलिंग, जिससे फर्म ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। या अगर सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो सिक्योरिटी से आगे चल के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर फर्म ने अगर स्मॉल कैश बैलेंस होल्ड किया हुआ है, स्मॉल कैश बैलेंस मेंटेन किया है, तो उस केस में क्या होगा, लिक्विडिटी कम होगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर फर्म ने हाई कैश बैलेंस मेंटेन किया है, यानी 100 रुपए में से फर्म ने अगर 80 रुपए कैश रख लिए हैं, ठीक है, 80 रुपए का कैश रख लिया और 20 रुपए ही केवल इन्वेस्ट किए हैं, कह लीजिए 20 रुपए की ही मशीनरी खरीदी और केवल एक मशीनरी खरीदी है, तो उस केस में क्या होगा, लिक्विडिटी तो बहुत हाई रहेगी, हर समय फर्म के पास लिक्विड फॉर्म में पैसा मिलेगा, लिक्विडिटी तो बहुत स्ट्रांग रहेगी, लेकिन उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी विल बी लो, प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, क्योंकि जहां पे 4 मशीनरी खरीदने की जरूरत थी फर्म ने केवल 1 मशीनरी खरीदी है, कम प्रोडक्शन, कम सेलिंग और अल्टीमेटली कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में पैसा ज्यादा रखा है और लिक्विड मनी मतलब आइडल मनी जो होता है ना, आइडल कैश, वो ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, न तो बहुत हाई हो कैश, ठीक है, न बहुत लो हो। देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑप्टिमम कैश लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैश लेवल हाई या लो के बीच में एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस होना चाहिए। तो वही अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कैश फ्लो जो है, तो इसे 2 केसेस में हम पढ़ेंगे। पहला केस क्या होगा, कैश फ्लो आर प्रेडिक्टेबल। पहला केस है कि अगर कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल है तब कैसे ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करें, एंड दूसरा है कि जब कैश फ्लो अनप्रेडिक्टेबल है, नॉन प्रेडिक्टेबल है, तब कैसे ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करें, ठीक है। अंडर सर्टेनिटी, अगर कैश फ्लो सर्टेन है, प्रेडिक्टेबल है, तो उस केस में वी यूज बॉमल मॉडल, और अगर कैश फ्लो अगर अनसर्टेनिटी है, नॉन प्रेडिक्टेबल है, तो उस केस में वी यूज मिलर ऑर मॉडल, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉमल मॉडल, ये वाला मॉडल आज मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर सर्टेनिटी में हम यूज करते हैं बॉमल मॉडल, हम बॉमल मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉमल मॉडल है ना, इसका जो मेन लॉजिक जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वही लॉजिक अभी हम कैश मैनेजमेंट में पढ़े हैं और वही लॉजिक हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी पढ़े हैं। वैसे जब मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई हूँ, ठीक है, मैंने जो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ाई है वहां पे हमने इन्वेंट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वहां पे डिटेल में पढ़ा है। तो वहां पे याद है ईओक्यू हमने पढ़ा था, ठीक है, ईओक्यू याद है ना, पढ़ा था हमने ईओक्यू। तो ईओक्यू में भी सेम वही लॉजिक यूज हुआ है जो हम अभी कैश मैनेजमेंट में यूज करने जा रहे हैं। और कैश मैनेजमेंट के बाद आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगी, तो वहां पे भी सेम लॉजिक है। तो अभी जो मैं लॉजिक बताने जा रही हूँ ना वो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि वही लॉजिक कैश मैनेजमेंट में भी यूज होता है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यूज होता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो लेवल होता है, देखिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो लेवल होता है, वो कैश बैलेंस का लेवल होता है एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन दोनों का सम किया जाता है, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट, कैश को होल्ड करने की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सम किया जाता है, और इन दोनों को सम करने से जो टोटल कॉस्ट निकलती है ना, ये टोटल कॉस्ट जिस पॉइंट पे मिनिमम होती है वो होता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ठीक, ये बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट मतलब कि कैश को होल्ड करने की जो कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन दोनों को सम किया जाता है और फिर इन दोनों को सम करके निकलता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जिस पॉइंट पे मिनिमम होती है, टोटल कॉस्ट जिस पॉइंट पे मिनिमम होती है ना, वो जो लेवल होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैश लेवल, इसी को ऑप्टिमम कैश बैलेंस कहते हैं, ठीक है। ये लॉजिक है, यही इन्वेंट्री में भी आप पढ़ेंगे, यही कैश मैनेजमेंट में भी यूज होता है, बॉमल मॉडल, ठीक है, इसका नाम क्या है? बॉमल मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, तो ये सब अभी मैं बताती हूँ। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कीपिंग द कैश बैलेंस, कैश बैलेंस को होल्ड करने का जो खर्चा है, ठीक है, कैश बैलेंस आप कैश एज सच आप होल्ड किए हुए हैं, इसका जो खर्चा है ना दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? के मल्टीप्लाइड बाई सी बाई 2, जहां पे के क्या है? के इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सी क्या है? कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस आप होल्ड किए हुए हैं, इसकी जो कॉस्ट होती है ना उसको कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट, के सी बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला। और दूसरा है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकर्ड इन कन्वर्टिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी टू कैश, किसी भी मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करने में जो ट्रांजेक्शन में जो खर्चा आता है, ठीक है, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी आपने खरीदी हुई थी, पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे कैश में आप जब कन्वर्ट करेंगे, उसे बेचेंगे, तो जो खर्चा आता है ना इन कन्वर्टिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटी टू कैश, उस खर्चे को कहा जाता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सी, स्मॉल सी है ये, स्मॉल सी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई सी, ठीक है, स्मॉल सी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई सी, जिसमें स्मॉल सी क्या है? दिस इज पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन में कितना खर्चा आता है। सी क्या है? कैपिटल सी है कैश बैलेंस, और टी क्या है? टोटल फंड रिक्वायरमेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ होल्डिंग कैश एंड ट्रांजैक्शन कैश, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसके बाद क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट यानी टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द डिमांड फॉर कैश। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और जो भी होल्डिंग कॉस्ट है दोनों को सम करेंगे। ये क्या थी? ये थी होल्डिंग कॉस्ट, याद है ना, ये थी होल्डिंग कॉस्ट और ये थी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दोनों को क्या करेंगे? सम करेंगे, तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक, अब मैंने लॉजिक आपको क्या बताया था? लॉजिक मैंने ये बताया था कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिसपे टोटल कॉस्ट क्या हो? मिनिमम हो। होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो सम करके जो टोटल कॉस्ट आती है ये मिनिमम हो, उस कैश बैलेंस को हम कहते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ठीक, अब एक बात बताइए, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म है उनका सम मिनिमम कब होता है? ये शायद क्लास 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा कि दो टर्म है, सपोज करिए x और y दो टर्म है, उनका कुछ सम आ रहा है t, ये दोनों टर्म का जो सम है वो मिनिमम कब होगा? वो मिनिमम तब होता है जब x इक्वल्स टू y होता है। ये एक लॉजिक है, ठीक है, ये आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे, k c बाई 2 इज इक्वल्स टू c t बाई c, ठीक है। ये जो दो टर्म है होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इनका जो सम आएगा टोटल कॉस्ट वो मिनिमम तब होगा जब ये दोनों टर्म बराबर होंगे। तो इन दोनों टर्म को बराबर करिए और जब आप इसको इक्वेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट, आपको मिलेगा 2 सी टी बाई के, ये मिलेगा आपको। यहाँ पे C इज इक्वल टू अंडर रूट 2CT बाई K ये मिलेगा। C क्या है? C इज द ऑप्टिमम कैश बैलेंस 2 और C क्या है? C इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। T क्या है? T इज द टोटल कैश रिक्वायरमेंट एनुअल कैश रिक्वायरमेंट और K क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप बराबर करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, बट आपको इतना डेप्थ में आपको इतना ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपली ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो मैं आपको बता रही थी कि ये दोनों टर्म को जब आप इक्वल करते हैं ना तो फिर ये फॉर्मूला वहां से निकल के आता है। बट इसका डेरिवेशन आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, जो मैंने अभी बताया वो बुक में मिल जाएगा, बट एग्जाम में मेरे ख्याल से आपको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपको सिंपली ऑप्टिमम कैश बैलेंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए टोटल कॉस्ट क्या होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है और होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है वो पता होना चाहिए, ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या है वो पता होना चाहिए। इसमें सारे टर्म तो समझ में आ गए ना। टी क्या है? टी इज द एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, साल की कैश रिक्वायरमेंट, दिस इज टी। स्मॉल सी क्या है? कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। के क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश और सी क्या है? ऑप्टिमम कैश बैलेंस। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है और अभी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के रखिएगा क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग सेम यही लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बॉमल मॉडल। ये बॉमल मॉडल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जल्दी से देख लेते हैं इसे। ये वाई एक्सेस है, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है कॉस्ट को, ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं साइज ऑफ कैश बैलेंस को। ठीक है, ये जो ग्राफ बन के आया है ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कह लीजिए इसका दूसरा नाम है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और ये जो दूसरा ग्राफ है ब्राउन लाइन ये जो है दिस इज ट्रेडिंग कॉस्ट या इसका दूसरा नाम है इसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो निकल गया होल्डिंग कॉस्ट का ग्राफ ये है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ग्राफ ये है। फिर इन दोनों को सम करके दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है और हम जानते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस किस पॉइंट पे होता है? जिस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो टोटल कॉस्ट मिनिमम है इस पॉइंट पे और ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्या है? जिस पॉइंट पे होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, और इसी को आप नीचे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे कट करेगा, यही क्या है? ऑप्टिमम कैश बैलेंस। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस पे क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्वल होता है एंड टोटल कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम होता है। तो आपसे अगर बॉमल मॉडल पूछा जाए, ऑप्टिमम कैश बैलेंस पूछा जाए तो आप ये ग्राफ जरूर बनाएंगे, प्लस वो जो अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मुलेज बताए हैं ये सब भी आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा मैं बताना चाहूंगी दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख मतलब जनवरी 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इनमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करिए। ठीक, और इसमें देखिए मैंने एफएम नहीं इंक्लूड किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये भी इसी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए। और एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है मेरे चैनल पे, आप लोग ही मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और इसी की वजह से मेरे साथ हर दिन कई नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। और मेरा जो पर्पस है ना इस एजुकेशनल चैनल को स्टार्ट करने का कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं, कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, ये अब मुझे थोड़ा बहुत फुलफिल होता दिख रहा है। तो इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा और मैं भी इसी तरह नए नए सब्जेक्ट, नए नए टॉपिक पे वीडियो लाती रहूंगी। राइट, तो चलिए अब हम करेंगे आगे एक न्यूमेरिकल। तो चलिए न्यूमेरिकल वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार न्यूमेरिकल रीड कर लीजिए। अडवाणी केमिकल लिमिटेड, इसने एस्टिमेट किया है टोटल कैश रिक्वायरमेंट एज 2 करोड़ नेक्स्ट ईयर। इनको जो कैश रिक्वायरमेंट है अगले साल वो 2 करोड़ की है। कंपनी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड कितना है? 15% पर एनम। कंपनी will have to incur ₹150 per transaction cost. इसका जो transaction cost है वो है ₹150 per transaction to convert short term securities to cash. जब ये short term security को cash में convert करते हैं तो per transaction का ₹150 आता है. आपको इसमें इस question में तीन चीजें determine करनी है. पहला क्या है, आपको optimum cash balance find out करना है. दूसरा आपको total annual cost of the demand for optimum cash balance, यानी total annual cost of the demand पता करना है. दूसरी चीज और तीसरा आपको पता करना है कि हाउ मेनी डिपॉजिट विल हैव टू बी मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर में कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे. तो ये तीन चीजें आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो वैसे बहुत आसान है. चलिए, पहला क्या है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करना है. तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, √2 CT/K, यही है फॉर्मूला. ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला यही है ना, √2 CT/K. ठीक, जिसमें C क्या है, ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है. T क्या है, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, और K क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक, तो उठा के पुट कर देते हैं, तीनों चीजें क्वेश्चन में दी हैं. ये देखिए, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 करोड़, और ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 15% पर एनम, यानी 0.15, और जो कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है वो कितना है, 150, और यही तीनों चीजें तो पुट करनी है. तो यहाँ पे पुट किया 2, C मतलब कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन 150, T मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट 2 करोड़, और K क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी 0.15. इसका अंडर रूट लेंगे और कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 2 लाख. ठीक है, तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना आया, 2 लाख, यानी फर्म को हर समय 2 लाख तो मेंटेन करने चाहिए. ऑप्टिमम कैश बैलेंसेस 2 लाख. ठीक, ये आ गया. ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसमें कैलकुलेट करना है टोटल एनुअल कॉस्ट. टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना है. तो टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होती है, दिस इज द सम ऑफ, किसका सम होता है, होल्डिंग कॉस्ट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट का सम होता है. ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, K C/2, दिस इज होल्डिंग कॉस्ट, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होता है, C T/C, दिस इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट. तो सिंपली सारी चीजें पता है हमें, पुट कर दीजिए, आ जाएगा टोटल कॉस्ट. देखिए, K क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 0.15, C क्या है, 2 करोड़, अच्छा यहाँ पे C क्या है, C इज द ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ये जो C है दिस इज ऑप्टिमम कैश बैलेंस. ठीक है, तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या है, 2 लाख. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हमने 2 से डिवाइड किया, प्लस ये क्या है, दिस इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट. ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकालनी है तो पर ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कितनी है, 150 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T. कैपिटल T क्या है, 2 करोड़, साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 करोड़, डिवाइडेड बाय C यानी ऑप्टिमम कैश बैलेंस, वो 2 लाख है. ठीक है, ये हमने 2 लाख पुट किया. अब सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 30,000, यानी टोटल कॉस्ट निकल के आई 30,000. कैलकुलेशन आपको करना है, तरीका केवल मैं बता रही हूँ. ठीक है, अब अगला जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि हाउ मेनी डिपॉजिट विल हैव टू बी मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर में कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे. तो आप बताइए, देखिए रिक्वायरमेंट साल भर की कितनी है, साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 करोड़. 2 करोड़ है ना, 7 zeros लग गए, 2 करोड़. तो साल भर की रिक्वायरमेंट कैश की कितनी है, 2 करोड़. ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना आया है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस आया है 2 लाख. तो साल भर में कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, कार्ड इसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 100, यानी 100 डिपॉजिट्स करने पड़ेंगे. ठीक है, कंपनी विल हैव टू मेक 100 डिपॉजिट्स. ठीक है, 100 डिपॉजिट करने पड़ेंगे. तो इस तरीके से आपका तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं. आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. ठीक है, लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा. तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. अगले लेक्चर में अब मैं ये पढ़ाऊंगी ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर अनसर्टेनिटी, उसमें हम पढ़ेंगे मिलर और मॉडल. ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा. गॉड ब्लेस यू.